निशाना हमास भी उनके मद्दे मुकाबल, हिजबुल्ला भी उनके मद्दे मुकाबल दुश्मन सुम्मत को बांटना चाहता है, लेकिन सरसब्जी में फलस्तीन पैगाम दे रही है उम्मत के दो, तुम्हारा अल्लाह भी एक है, तुम्हारे रसूल भी एक है, तुम्हारा कुरान भी एक है, तुम्हारा रास्ता भी एक है, तुम्हारे रूस की मंजर भी एक है और तुम्हारी जिद्दत का निशान भी एक है। इसलिए आज का दिन पूरी उम्मत को पैगाम दे रहा है कि बचना चाहते हो तो मुत्तहिद हो जाओ, उठना चाहते हो तो इकट्ठे हो जाओ, अगर अल्लाह के दीन को महफूज देखना चाहते हो तो तुम्हें उम्मत वाहदा बन करके तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मेरे अजीजों, आज सरजमीन फलस्तीन पे शहादतें हैं, वहां पे सुनने पर बरियत है, लेकिन आफरीन है अहले फलस्तीन अहले गज़ा के लिए कि जिन्होंने शहादतों के जाम पी लिए, सुनने पर बरियत सह लिया, वहां की बहनों और बेटियों ने, मेरे दोस्तों, उन्होंने शहादतों के अंबार देख लिए, लेकिन उनकी जुबानों पे इसराइल के मद्दे मुकाबल मेरे दोस्तों अजम है, हौसला है, जुर्रत है, मुसाहमत है, मुकाबलत है, जहाद का जज्बा है। इसलिए आपने आज यहाँ इकट्ठे होकर के फिर पैगाम दिया है कि अहले पाकिस्तान इकट्ठे भी है, मुत्तहिद भी है और इसराइल की दरिंदगी के मुकाबले में यक जुबान भी है इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि ये बात भी वादे हो गई कि इसराइल की दरिंदगी में दुनिया का बुजुर्ग शैतान अमरीका वो बराह रास्त इस कतलेआम में शरीक है, इस कतलेआम में हिंदुस्तान भी शरीक है, जहां से इसराइल आकर के अपने लिए फौजी कुमक इकट्ठी कर रहा है। अब तक 20,000 टन से ज्यादा असलाह बैरूद इंडिया उसको फराहम कर चुका है। इसलिए पता चल रहा है अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, दुनिया कुफर एक मिल्लत बन गई है, तो उनका मुकाबला करने के लिए आओ वादा करें हम भी एक उम्मत है, हम भी एक मिल्लत है, हाथ उठा के कहो हम भी एक उम्मत है, हम भी एक मिल्लत है। और मैं जनाबे आगा सैयद जवाद नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, मैं हम शाहिद हैं कि अब्दुल रौस से लेकर के वो लाहौर का मिलियन मार्च हुआ, वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ वहां शरीक थे, इस्लामाबाद पुकारा गया वो इस्लामाबाद पहुंचे। मेरे अजीजों, उन्होंने मुसलसल मुजाहमत के पैगाम को आगे बढ़ाया है। बस मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान हुक्मरानों, या इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान करो, अगर नहीं कर सकते फिर जिल्ला तुम्हारा मुकद्दर है, फिर रास्तों को खोल दो, बॉर्डरों को ओपन कर दो, फिर ये बहनों बेटियों फिर उम्मत के नौजवान इसराइल की दरिंदगी का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताओ हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए बहनों और बेटियों के जज्बों को सलाम, आपके बलबलों को सलाम, आज पूरे मुल्क के अंदर करिया करिया मस्ती मस्ती, बच्चे भी निकले हैं, नौजवान भी निकले हैं, तलबा तलबा भी निकली है, पूरी कौम निकली है और पूरी कौम ने पैगाम दिया है फलस्तीनियों तुम हमारे जिस्म का टुकड़ा हो, अहले गज़ा तुम्हारे दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह जन्नत के अंदर एक अहले गज़ा की बस्ती होगी, उस बस्ती के शुहादा उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें खवातीन भी होंगी, उसमें इस्माइलिया भी होंगे, उसमें हसन नसरुल्ला भी होंगे। ये शुहादा की बस्ती जन्नत में बस चुकी है, इम्तिहान दुनिया वालों के लिए है। आओ इकट्ठे होकर पैगाम दे अल्लाह खालिकुना वल कुरान दस्तूरुना वल कुरान रसूल काइदुना वल जिहाद सबीलुना व शहादतु अमानीना इंशाल्लाह।